हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। तो कटिंग आप पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सलवार का पल्ला है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें कली जॉइंट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले एक पल्ला ले लीजिए, उसके बाद ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम इस तरह से कली को रखते हुए सीधा वाला कपड़ा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा वाला कपड़ा बाहर की तरफ रखते हुए हम दोनों तरफ कली जॉइंट कर लेंगे। इस तरफ से ये दोनों साइड हम कली जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कली जॉइंट कर ली, कली जॉइंट हो गया है हमारा। इसी तरह हम दूसरे वाले पल्ले में भी कली जॉइंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पल्ले में जहाँ पर हमने कली जॉइंट किया था वहीं पर अब हम म्यानी जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये हमारा सीधा वाला पल्ला है और म्यानी का सीधा वाला पल्ला, दोनों को अंदर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पर म्यानी जॉइंट कर लेंगे। अब ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी दूसरा वाला म्यानी जॉइंट करेंगे। इस तरह से दूसरे वाले म्यानी को रख कर सीधी सिलाई में, बस इसमें सीधी सिलाई लगाना है इसलिए मैं आपको सिलाई करके नहीं दिखा रही हूँ। सीधी सिलाई लगाना तो आपको आता ही होगा, मैंने आपको सिखाया था सीधी सिलाई लगाना। ये देखिए, ये हमारा म्यानी जॉइंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों तरफ हमारा म्यानी जॉइंट हो गया। अब हम इसमें दूसरे वाले पल्ले को रखेंगे। ये हमारा दूसरा पैर का पल्ला है, तो इसे हम यहाँ से रख कर इस तरह से सीधी तरफ अंदर की तरफ रहेगा सीधा वाला, और उल्टा तरफ बाहर की तरफ रखते हुए इसमें हम सीधी सिलाई लगा देंगे। इसी तरह इस तरफ भी हमें सीधी सिलाई लगा देना है ताकि दोनों कपड़ा आपस में जुड़ जाए। ये देखिए, ये मैं आपको जोड़कर दिखा दे रही हूँ कैसे जोड़ना है। तो यहाँ ऊपर से एकदम मिलाते हुए म्यानी के पास से हमें कपड़ा को रखना है। इस तरह से हम म्यानी के नीचे के और लाकर रोक कर सिलाई को निकाल देंगे। अब हम ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, जैसे हमने उस तरफ किया था ठीक उसी तरह दूसरी तरफ भी हम कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम हाफ इंच से थोड़ा सा कम लेकर, मार्जिन लेकर सिलाई करते हैं। एकदम कपड़े के किनारे पर सिलाई नहीं करना, नहीं तो हमारा सिलाई खुल जाएगा। ये देखिए, ये दोनों तरफ जॉइंट हो गया, ये सारा कपड़ा आपस में जॉइंट हो गया है एक दूसरे में। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा एक तरफ का म्यानी तरफ कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें म्यानी के पास दो चून बनाना है, एक लेफ्ट के तरफ से एक राइट के तरफ से। तो इस तरह से दो चून बना लीजिए म्यानी के पास, म्याने के बीचों बीच दो चून होना चाहिए। अब हम कमर पट्टी रेडी करेंगे। तो कमर पट्टी रेडी करने के लिए हमें ऊपर से एक या डेढ़ इंच का सिलाई लगाना है, उसके बाद बीच में एक इंच का गैप छोड़कर फिर सिलाई लगाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने सिलाई लगाया, फिर थोड़ा सा कपड़े को छोड़कर एक इंच का बीच में मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देंगे पूरे नीचे तक।
यहाँ से बीच वाला धागा काट देंगे, एक्स्ट्रा धागा को काट लीजिए। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से बीचों बीच से खोल देंगे। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम फोल्ड करके दोनों साइड अच्छे से बैठा कर सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई को रोक कर इस तरफ घूम जाइए। अब हम धागे को काट कर निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया। अब ये देखिए, ये जो बीच का हमारा हमने सिलाई छोड़ा था ठीक उसे बीचों बीच रखते हुए हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके मोड़ लेंगे ताकि हमारा नारा जर्बन जो है वो अंदर जाए। कम से कम 1 इंच का हम फोल्ड करेंगे। अब हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट किया तो वहीं पर लाकर रोक देंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कमर पट्टी रेडी हो गया। यहाँ से हमारा जर्बन अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको सलवार में चून बनाना बताऊंगी। तो चून कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले हम सलवार का जो पीछे जहाँ पर हमने म्याने के पास चून बनाया था वही वाला पल्ला को यहाँ पर बीचों बीच रखेंगे। ये देखिए, ये मियानी वाला जो हिस्सा है उसे हम कमर पट्टी के बीचों बीच रखेंगे और हम इस तरह से नापेंगे जहाँ कि हमारा कमर पट्टी कितने दूर पर आ रहा है। जहाँ पर हमारा आ रहा है दोनों कपड़े को मिलाकर हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे समझने के लिए। अब हम ये जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पर हमने कट लगाया उतना दूर हम छोड़ देंगे। वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पे हमें चून नहीं बनाना है, चून हमें आगे बनाना है। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। ये देखिए, ये एक पल्ला उठाकर हम कमर पट्टी से नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा आ रहा वहाँ पे हमने कट लगा लिया। अब ये पीछे का पल्ला है, यहाँ पे हमें चून नहीं बनाना है, चून सिर्फ हमें आगे बनाना है। तो अब देखिए, जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं से हम चून बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी तरफ लेफ्ट अपनी तरफ उठाते हुए एक इंच का चून बनाना है। इस तरह से आप कपड़े को उठाएँ और अंदर की तरफ करके चून बनाते जाएँ। चून आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बड़ा या छोटा चून का साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। मैं 1 इंच का चून दे रही हूँ। तो इस तरह से हम चून बनाएंगे। अब म्याने के पास आके हमें रोक देना है। ठीक है, बस अब यहाँ तक हमें रोक देना है। अब जो हमारा चून बनेगा वो उसका मुंह उस तरफ रहेगा। ठीक है, अब हमें कपड़े को इस तरफ से उठाकर उस तरफ रखना है। इसी तरह से हम चून बना लेंगे। जहाँ पर हमारा कट था देखिए यहाँ तक, वहाँ पर आकर हम रोक देंगे। बस लास्ट ये चून हमारा बन गया। ये देखिए, एक साइड पूरा हमारा चून बन गया है। अब हम कमर पट्टी से नाप लेते हैं कि हमारा कमर पट्टी के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से कमर पट्टी और चून को पकड़ेंगे और इस तरह से मिलाते हुए नापेंगे।
ये देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा चून वाला कपड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कमर पट्टी जोड़ेंगे तो उसमें एक और चून बना देंगे। अब हम कमर पट्टी जॉइंट करेंगे तो हमारा चून वाला का सीधा हिस्सा और कमर पट्टी का सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी तरफ से हम सिलाई करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा सीधा वाला पार्ट हमारा अंदर रहेगा और उल्टा वाला पार्ट बाहर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर ज़रबन डालने का है वहाँ पे मिलाते हुए पूरे में गोल राउंड मिलाकर सिलाई कर देंगे। और हमें जो हमने जो चून में जो सिलाई लगाया था ठीक उस सिलाई के बगल में हमें सिलाई करना है, ताकि जब हमारा सीधा तरफ पलटे तो हमारा सिलाई दिखे ना। इस तरह से पूरे गोलाई में आप मिलाकर देखिए, ये हमारा पूरा मिल गया। मैंने एक चून बना दिया था जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हमने एक चून बना लिया था। देखिए हमारा कपड़ा आपस में मिल गया, एकदम जॉइंट हो गया, एक बराबर जॉइंट हो गया हमारा कमर पट्टी। अब हम क्या करेंगे, कमर पट्टी के तरफ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है चून वाला उसे हम कमर पट्टी के तरफ रखते हुए इस पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा चून बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। इसे हम चाप सिलाई भी बोलते हैं। याद रखिएगा मार्जिन वाला कपड़ा हम कमर पट्टी के तरफ रखेंगे और इसे बैठाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। और आपने क्लास 1 से क्लास 16 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अब हम सलवार की मोहरी बनाएंगे। तो मोहरी की कपड़े की उल्टी तरफ हम बकरम को रखेंगे, एक इंच का बकरम काट लीजिए, एक इंच चौड़ा और लंबाई मोहरी के अनुसार। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोहरी को इस तरह से बकरम को कपड़े के ऊपर रखकर थोड़ा सा कपड़ा हाफ इंच बकरम की तरफ रखकर किनारे पर सिलाई लगा देंगे। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करके किनारे कपड़े के किनारे पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा कपड़ा बैठ जाए। ये देखिए एक सिलाई लग गया है। अब हम कपड़े को सीधी तरफ कर लेंगे, उसके बाद सीधी तरफ करके सबसे नीचे में एक सिलाई लगाएंगे किनारे में एकदम। अब हम क्या करेंगे, उसी के बगल में फिर एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह मैंने एक और सिलाई लगा दिया ऊपर वाले हिस्से के बगल में। चार सिलाई हमारा हो गया और बीच में थोड़ा सा जो जगह छोड़ा था हमने, वहाँ पर हम इस तरह से चौक से डिज़ाइन बना लेंगे। ये कर्व लाइन हम बना रहे हैं, चौक से डिज़ाइन बना लेने से आपको सिलने में आसान होगा, क्योंकि आप अगर बिगिनर्स हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से चौक से डिज़ाइन बना लीजिए। अब जिस तरह से डिज़ाइन है ठीक उसी तरह से हम कपड़े को घुमाएँगे और सिलाई कर देंगे। ये सिलाई मैंने आपको एक वीडियो में बताई थी कि कैसे लगाया जाता है। ये हमारा मोहरी बन गया, इसी तरह दूसरा मोहरी भी हम रेडी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को उल्टी तरफ देखिए, ये हमारा चून बन गया, कमर पट्टी भी जॉइंट हो गया, मोहरी भी बन गया, सब कुछ हो गया। अब हमें बस बगल की सिलाई लगानी है। तो हमें जितना मोहरी रखना है वहाँ पर निशान लगा कर, सीधा निशान लगा कर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोनों कपड़े को आपस में मिलाएंगे और इसमें सिलाई चला देंगे। हाफ इंच या एक इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो पूरे में चौक से निशान लगाकर भी उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से एक पैर से लाते हुए दूसरे पैर तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब उसी के ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा सिलाई मजबूत हो जाए। तो ये मैंने दो सिलाई लगा दिए हैं। अब हम ज़रबन बनाएंगे नारा, जिससे हम सलवार में
डालते हैं। तो नारा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को लेफ़्ट तरफ से एक बार मोड़ेंगे, उसके बाद राइट तरफ से, उसके बाद उसे डबल फोल्ड करके बीचों बीच सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा सलवार पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नारा लगाने भी बता दे रही हूँ। ये हमारा देखिए आगे में पूरा फुल चून आया और पीछे में बस मियानी के पास दो चून है। अब हम क्या करेंगे, एक बड़ी वाली अलपिन ले लेंगे, सेफ्टी पिन, और जहाँ पर हमने ज़रबन के लिए जगह छोड़ा था वहीं से हम ज़रबन को डालेंगे। इस तरह से पूरे में ज़रबन को डालकर हमने जहाँ पर हमने ज़रबन डाला ठीक उसी के बगल में ज़रबन को निकाल देंगे। पिन को निकाल दीजिए। ये देखिए ये हमारा सलवार पूरा कंप्लीट हो गया है।